वाओ भाई, जब फ्री फायर नया नया आया था तो हेडशॉट का एक ट्रेंड था जिसको हम बोलते थे जंप हेडशॉट। अब देखो जंप हेडशॉट में होता क्या था, ये होता था कि एनिमी सिर्फ जंप हेडशॉट करके ही हेडशॉट मारता था एंड हम भी उसको जंप हेडशॉट मारते थे। लेकिन जब से ड्रैग हेडशॉट मार्केट में आया है, जंप हेडशॉट का तो भाई बिल्कुल इज्जत ही चला गया। मतलब जंप हेडशॉट का जो इज्जत है वो पूरा डाउन हो चुका है, इज्जत नहीं है। लेकिन अभी कुछ नए नए प्लेयर जैसे कि ज़ेरोक्स एफएफ इसी हेडशॉट जंप को वापस लाए एंड इसको वापस एक ट्रेंड बनाया और ये जंप हेडशॉट अब लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि हर कोई यही सोचता रहता है कि भाई इस जंप हेडशॉट को भाई हम कैसे सीखें। बट नो प्रॉब्लम, आज की इस वाली वीडियो में हम आपको यही बताएंगे जंप हेडशॉट क्या है। जैसे कि एग्जांपल आप सामने देख सकते हो, यहां पर ज़ेरोक्स एफएफ है एंड एनिमी को हवा में ही खत्म कर दिया। तो कौन सा तीर मारा? गाइज, इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको कोई बेसिक साइडिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको अपनी कस्टम एचडी में जो आपका जंप बटन है उसको जो है आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते। तो आप जो अपना फायर बटन साइज दूसरे से कनेक्ट करोगे एंड क्योंकि इससे आपको एक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती एंड आप जंप हेडशॉट ईजिली तरीके से कर पाओगे अगर आप ये कर लेते हो। तो ये बेसिक सेटिंग है, बस आपको यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जंप हेडशॉट सिंपली दो तरीके का होता है, जिसमें एनिमी को खड़े खड़े हेडशॉट मारना होता है एंड उस दूसरा जिसके हमें मूवमेंट के साथ एनिमी को हेडशॉट मारना पड़ता है जंप हेडशॉट से। अब इसको ट्रिक कैसे करना है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, चलिए वो हैंड कैम के साथ जानते हैं। ओके, चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इस ट्रिक को आपको परफॉर्म कैसे करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एनिमी आया एंड यहाँ पर इजिली तरीके से हेडशॉट लग गया सिर्फ जंप करते ही। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है जल्दी से वो जान लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपको एक सुपर जंप लेनी है कुछ इस तरीके से एंड जंप लेने के बाद आपको अपने करेक्टर को नीचे आन देना है एंड फिर से एक और जंप लेके आपको ड्रैग वाले बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। अब इसमें दो सिचुएशन है, अगर आपका एनिमी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करना एंड अगर एनिमी राइट साइड है तो राइट साइड की ओर ही ड्रैग करना। बस इसी सिचुएशन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ ज़ेरोक्स एफएफ का। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ज़ेरोक्स एफएफ ने एक सुपर जंप लिया एंड फिर से एक जंप लिया एंड यहाँ पर आपने एम को सेट करा। अब देखो एनिमी भी हवा में है एंड ज़ेरोक्स एफएफ भी हवा में है। तो इसमें बस करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बंदा खाली ड्रैग करेगा, सिंपल सा ड्रैग करेगा और एनिमी हवा में ही खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लो एंड डिवाइस है तो डीपीआई का आपको इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, हाई एंड डिवाइस है तो रिकॉइल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस जंप हेडशॉट को ट्रिक कर पाओगे। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ ज़रूर से कर लेना, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है उसको देख लो।